जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना दानुद सर, यूपीएन यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क से। आज मैं बात करना चाहूँगा बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड, जो सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग थी 6 दिसंबर के हवाले से। इसकी कुछ अपडेट्स हैं जो मैं, आप रेगुलर व्यूअर्स हैं हमारे, हमारे कस्टमर्स हैं, मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। बेसिकली आज की इस हियरिंग्स के अंदर जो चीज़, जो मौक़िफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से था, चीफ जस्टिस साहब की तरफ से था, वो ये था कि बहरिया टाउन जो ट्रांसफ़र दे रहा है, वो ट्रांसफ़र लेटर इशू कर रहा है कस्टमर्स को। जस्ट ट्रांसफ़र लेटर आप इशू कर देते हैं और उसी की मद में ट्रांसफ़र फीस इकट्ठी की जा रही है, जो कि सिर्फ ट्रांसफ़र लेटर का कस्टमर को हैंडओवर कर देना वो नाकाफ़ी है, और ये एक अदद फ्रॉड है कि ओवरऑल जनरल पब्लिक के साथ, रियासत के साथ, ओवरऑल स्टेट के साथ, ये ओवरऑल फ्रॉड में कंसीडर होता है। तो दूसरे तौर पे ये भी कहा है कि अभी तक जो ट्रांसफ़र फ़ीस की मद में जो टोटल अमाउंट इकट्ठी की गई, या एक सुप्रीम कोर्ट के जो कैलकुलेशंस हैं उसके मुताबिक तकरीबन वो 14 अरब रुपए की जो अमाउंट है वो रिसीव की गई बहरिया टाउन ने, जो रिसीव की कस्टमर से। तो इसके मुताबिक अभी ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये इंस्ट्रक्शंस पास किए हैं, बड़ी वाज़ह इंस्ट्रक्शंस बहरिया टाउन कराची को पास किए हैं कि आप वो 14 अरब रुपए जो हैं वो जमा करवाएं, अदालत में जमा करवाएं। और इसके रिस्पांस में बहरिया टाउन कराची के जो मैनेजमेंट है और इसके जो एडवोकेट हैं, इनकी तरफ से जो मौक़िफ़ अख्तियार किया गया, उन्होंने कहा जी ट्रांसफ़र हम लोग बिल्कुल उसी तरह हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं जिस तरह यहाँ दीगर और सोसाइटीज़ जो हैं वो ट्रांसफ़र देती हैं, यानी ट्रांसफ़र का लेटर इशू करती हैं, बिल्कुल उसी तरह हम लोग भी जो हैं वो इसी तरह ट्रांसफ़र लेटर इशू कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। तो इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट का जो मौक़िफ़ है उसके मुताबिक यही है कि आप लोगों को रजिस्ट्री करवानी चाहिए, आपको रजिस्ट्री जो है वो ऑफ़र करनी चाहिए कस्टमर को, और पार्टीज़ के दरमियान बकायदा जो है वो सेल एग्रीमेंट, सेल डीड एक लिखी जानी चाहिए जिसके मुताबिक ये ट्रांसफ़र का प्रोसेस हो। और इसके मुताबिक इस बात को आगे बढ़ाते हुए चीफ जस्टिस साहब की तरफ से ये भी एक बात सुनने को आई कि उन्होंने कहा कि DHA का अगर इस तरह का कोई प्रोसेस है तो DHA को भी हम लोग नोटिस लिखते हैं कि उनका भी अगर जो सेम प्रोसेस है, अगर जस्ट वो लेटर ऑफ़र कर रहे हैं तो उनको भी हम पूछेंगे। तो ये चीज़ अभी तक की जो अपडेट के मुताबिक थी। मज़ीद एक मैं अपनी राय इसमें शेयर करना चाहूँगा कि अगर ये चीज़ रजिस्ट्री की तरफ आती है कि बाकायदा कस्टमर को रजिस्ट्री हो, कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़ है, सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्न्स और ये सारे तफ़ज़ात का जो है इजहार किया है, इसी के मुताबिक अगर आइंदा आने वाले टाइम में यहाँ पे बिकने वाले प्लॉट्स, फ्लैट्स या विलास पे बात होती है और हर कस्टमर अपनी रजिस्ट्री करवा लेता है बर वक्त, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा डिसीजन होगा और इसमें मतलब लीगली भी जो परचेज़र है वो स्ट्रॉन्ग होगा और हर हवाले से ये मतलब जनरल पब्लिक के लिए भी, बहरिया टाउन के लिए भी, और मतलब ओवरऑल स्टेट के लिए भी हर लिहाज से ये बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे UPN के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए, और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। शुक्रिया।